खेल संग्राम में आप सभी का स्वागत है। ईरान में खेले जा रहे 10वें एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने अपने दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान को 103-25 के रिकॉर्ड अंतर से हराया। वहीं टीम इंडिया ने अपने तीसरे लीग मुकाबले में जापान को 82-16 से चित किया। बात की जाए दिन के पहले मुकाबले की तो टीम इंडिया ने जबरदस्त खेल दिखाया। अफगानिस्तान के डिफेंडर टीम इंडिया के रेडर्स के आगे बेबस नजर आए। अफगानिस्तान की टीम का टैकल, डिफेंस और रेडिंग तकनीक टीम इंडिया के आगे बौनी साबित हुई और उसे 78 अंकों से एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। वहीं नजर डाले दिन के दूसरे मुकाबले पे तो जापान के खिलाफ भी भारतीय टीम ने एक तरफा मुकाबला खेला। टीम इंडिया ने जापान को भी 66 अंकों से हरा एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। अब टीम इंडिया अपने दिन का आखिरी मुकाबला पाकिस्तान से खेलेगी। फिलहाल टीम इंडिया के जबरदस्त फॉर्म को देखते हुए पाकिस्तान के लिए मुकाबला जीतना लगभग नामुमकिन है।